हेलो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बात करेंगे बाई डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल के बारे में। ये आखिर क्या है और कैसा है, कैसे चलता है ये, और इसका मतलब क्या है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये बाई डायरेक्शनल का मतलब है दो मुहि, मतलब दोनों तरफ से एक ही फाइबर में जो दोनों तरफ से सिग्नल को भेजा जाता है, इसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल जो लिंक है। और एंड जो यूनिडायरेक्शनल है, ये मतलब है स्टैंडर्ड लिंक जो होता है, एक फाइबर में ट्रांस होता है और एक फाइबर में रिसीव होता है। तो पहले ये बाई डायरेक्शनल के बारे में बात करते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये एक सिंगल फाइबर है, छोटा मोटा लिंक जो कनेक्शन लिया होता है कोई दुकान वगैरह में या कुछ में, जैसे सिंगल फाइबर का कनेक्शन लिया जाता है, तो उसमें एक ही फाइबर में ट्रांस और रिसीव होता है। तो ये ट्रांस रिसीव, जैसे कि इधर से ट्रांस एक ही फाइबर में इधर से ट्रांस भेजा जाता है, तो यहाँ पे आके ये रिसीव होता है, और यहाँ से ट्रांस भेजा जाता है तो यहाँ इधर से रिसीव होता है। तो ये एक फाइबर में जो ट्रांस रिसीव होता है, इसका अंदर से जो सिग्नल चलता है फाइबर का अंदर से, लाइट का रूप में चलता है, एक लाइट चलता है इसका अंदर से। तो आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इसका अंदर से इधर से भी लाइट चल रहा है और इधर से भी लाइट चल रहा है, तो ये तो आपस में टक्कर होना चाहिए, आपस में ये दोनों लाइट टकराना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। मतलब इधर से जो इसका जो ट्रांस भेजा जाता है या सिग्नल भेजा जाता है, इसको अलग वेवलेंथ में भेजा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा वेवलेंथ होता है, जो फाइबर में बहुत सारा वेवलेंथ का यूज किया जाता है, जैसे कि बहुत सारा वेवलेंथ होता है, जैसे 13,000, 14,090, 15,050, 15,070। तो इसमें जो सिग्नल एक ही फाइबर में जब दोनों तरफ से सिग्नल भेजा जाता है, तो एक एक सिग्नल जैसे कि 13,010 पे दे दिया है, तो दूसरा वाला जो इधर से जो सिग्नल भेजा जाएगा ये 14,090 पे या 15,050, मतलब एक एक ही वेवलेंथ में दोनों साइड में सिग्नल नहीं भेजा जाता है, दो अलग अलग वेवलेंथ पे भेजा जाता है, ताकि दोनों आपस में टक्कर ना हो। तो ऐसे इसका अंदर से कुछ चलता है, और इसका जो एसएफपी आता है, जैसे कि कोई राउटर पे जब कनेक्ट होता है, इसका जो जो एसएफपी होता है ये भी सिंगल पोर्ट का होता है। नॉर्मली जो लिंक चलता है स्टैंडर्ड लिंक, उसमें दो पोर्ट रहता है, लेकिन इसका जो एसएफपी रहता है सिंगल फाइबर का, इसका सिंगल पोर्ट रहता है। और ये जो यूनिडायरेक्शनल है, इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड लिंक है वो चलता है, मतलब दो फाइबर में, मतलब एक पेयर, दो फाइबर मतलब एक पेयर में एक लिंक चलता है जो स्टैंडर्ड लिंक होता है। और इसमें क्या होता है, एक फाइबर में इसका ये ट्रांसमिट करता है और एक फाइबर में ये रिसीव करता है, मतलब ये साइड से एक में रिसीव होता है, एक में ट्रांस होता है, ये साइड में एक में ट्रांस होता है, एक में रिसीव होता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड लिंक, ये जो यूनिडायरेक्शनल है ये वाला। यूनिडायरेक्शन का मतलब है एक मुहि, मतलब एक ही फाइबर में एक ही काम करेगा ये फाइबर, जैसे कि अगर ट्रांस करेगा तो सिर्फ ट्रांस करेगा, रिसीव होगा तो सिर्फ रिसीव होगा। और बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, एक ही फाइबर में ट्रांस भी होता है, रिसीव भी होता है। तो इसके लिए इसमें अलग अलग वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंगल वाला में सेम वेवलेंथ यूज किया गया, तो ये दोनों फाइबर अलग अलग होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये बड़ा लिंक में यूज किया जाता है। और इसका जो एसएफपी यूज किया जाता है, इसमें दो पोर्ट रहता है, क्योंकि इसमें दो फाइबर होता है लिंक के लिए, तो इसमें दो पोर्ट होता है। और यह जो सिंगल फाइबर का लिंक होता है, इसमें सिंगल पोर्ट का एसएफपी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई फाइबर में यहाँ से अगर आप ओडीटीआर से ट्रेस मारते हैं, तो इधर से अगर आपका पास सिग्नल आ रहा है, तो ओडीटीआर में दिखाता है ये फाइबर में सिग्नल आ रहा है, ये ओडीटीआर शो करता है कि इधर से आपको सिग्नल मिल रहा है, मतलब इधर से आप इसको ट्रेस नहीं मार सकते। लेकिन ओडीटीआर में अभी और एक ऑप्शन आ गया है, जिससे आप ओडीटीआर से जो फाइबर में आपको सिग्नल मिल रहा है, उस फाइबर में आप अलग वेवलेंथ से ट्रेस मार के पता कर सकते हैं कि ये फाइबर में कहाँ पे लॉसेस है, क्या प्रॉब्लम है, इस पता कर सकते हैं। अगर फाइबर में सिग्नल आ भी रहा है तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ओडीटीआर में जो ऑप्शन अभी दिया हुआ है, जैसे नॉर्मली ओडीटीआर में एक पोर्ट रहता है जो ओटीटीआर लिखा होता है, यहाँ पे एक पोर्ट रहता है जिसमें हम लोग पेच कोड कनेक्ट करके ट्रेस मारते हैं। और लेकिन अभी जो सिग्नल मिलने वाला फाइबर में ट्रेस मारने के लिए जो और एक ऑप्शन आया है, उसमें लिखा हुआ रहता है AUX, इसमें भी एक पोर्ट रहता है, आपको सिग्नल मिल रहा है और उसी फाइबर में आपको ट्रेस मार के पता करना है फाइबर में क्या दिक्कत है, तो आप ये AUX पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके पेच कोड कनेक्ट करके आपको
अलग वेवलेंथ, मतलब इसमें और एक वेवलेंथ आता है 1610, ये वाला वेवलेंथ पे आपको लगा के ट्रेस मारना है, जैसे कि ये वेवलेंथ है, तो ये वाला 1610 वेवलेंथ पे AUX पोर्ट पे लगा के आप ट्रेस मार के जिसमें आपको सिग्नल मिल रहा है वो वाला फाइबर फाइबर को आप ट्रेस करके पता कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये बाइडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल के बारे में आप आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।